बिंद की जमी पर राजनीतिक गतिविधियों में तेजी आई। कांग्रेस अध्यक्ष के दौरे के बाद भाजपा अध्यक्ष के दौरे की तैयारियां हुई तेज। जैसा कि आपको मालूम ही है, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी 27 और 28 को रीवा में थे। बिंद प्रदेश की राजधानी रहा रीवा बिंद की 30 सीटों पर सीधा असर डालता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए राहुल गांधी का बिंद दौरा कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कराया था, जहां मंच पर राहुल गांधी के साथ कमलनाथ, सिंधिया, अजय सिंह नजर आए। वहीं पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, बावरिया जैसे नेता मोर्चा संभाले रहे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, इसका मतलब दौरा रहा सफल। कांग्रेस का माहौल बन गया। इसी बने माहौल को खत्म करने 15 साल से सत्ताधारी भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके चलते रीवा की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के दौरे की रूपरेखा बनने लगी है। मिली जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर को अमित शाह रीवा आ सकते हैं। अमित शाह का रीवा दौरा भी जोरदार होगा, ऐसा माना जा सकता है। सत्ताधारी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष फिजा में कितने रंग घोलता है, ये देखने लायक होगा। अभी रेस में कांग्रेस आगे है, ऐसा माना जा सकता है। वक्त के साथ ऊंट किस करवट बैठता है, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे भी रीवा में मंत्री राजेंद्र शुक्ल का काफ़ी प्रभाव है। यह प्रभाव कम करने कांग्रेस अपने पाले में महाराजा पुष्पराज सिंह को लेकर आई है। अब देखते हैं भाजपा के तरकश से कौन से तीर निकलते हैं। इस बार हाथ और कमल की लड़ाई दिलचस्प होगी। रीवा दर्शन के साथ बने रहिए, हम आप तक इस लड़ाई के सारे पहलू लाते रहेंगे।